अंकल आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाय गुड गर्ल, मैं जैसे बोलूंगा वैसे सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। ये लोग कुछ बुरे लोग हैं बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा, चलो। ये सब क्या मगजमारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में थू भी आता है क्या यार? मुझे भी देना एक सूटर। ये बच्चों को उठा के ले जाते हो, दादागिरी करते हो, सबको मारते हो, आज बताता तुम्हें। जग्गू मेरे बेटे, कहाँ चला गया? जग्गू कहाँ चला गया? उठना बेटा, जग्गू 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 बेटे कहाँ गया तू? जग्गू मेरे, मैं कैसे रहूँगी? जग्गू कुछ बोलना। कौन है ये? क्या ढूंढ रही है? हे भगवान, जो मैं घर ढूंढ रही हूँ वो मुझे जल्दी मिले। आने तो देखते हैं। कौन है ये? ये तो मुझे ही देखता जा रहा है। हेलो। हाँ इधर आओ। हाँ इधर आओ। हाँ क्या ढूंढ रही हो तुम? टॉयलेट बोर्ड है क्या? यही देख रही थी। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढ रही हो। अब यहाँ से राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। उधर है क्या सर? हाँ रियल एस्टेट ऑफिस है वहाँ। अंदाजा लगाने से अच्छा है कि तुम जाके उनसे पूछो, ठीक है? ठीक है सर। नॉनसेंस नॉनसेंस, मैंने एड्रेस पूछा, ये नहीं पूछा कि घर खाली है। बिना दिमाग की बात कर रहा है स्टूपिड। वापस बुलाएगा तो टेंशन मिलेगी, इससे पहले खिसक लेती हूँ। शिबू, ए शिबू, शिबू, शिबू। प्लीज भाभी, भाई आने तक मुझे सोने दो ना। ए शिबू, तुम्हारे भैया को आए हुए ऑलरेडी 5 मिनट हो गए हैं। हाँ?
अब तक तो उनकी कॉफी भी खत्म हो गई। पहले बोलना चाहिए था ना। ए शिबू, नाश्ता तो करके जाओ तुम। वो जब बाहर जाएंगे तो मुझे फोन करके बता देना, मैं आ जाऊंगा। ओके। कितने प्यारे हैं दोनों भाई। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे कौन से काम पे जा रहा है? अरे कलेक्शन के लिए जा रहा है वो, फाइनेंस ऑफिस का काम शुरू किया है ना उसने। फाइनेंस? फालतू में सबके साथ मारपीट करने वाला, अब फाइनेंस का धंधा करेगा तो गया काम से। अरे बिना बात वो किसी को क्यों मारेगा भला? जानती हो ना, वो तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है। हाँ हाँ, हॉस्टल से शिफ्ट करके मैंने ही तो बड़ा किया है। जाइए जाइए, रेडी हो जाइए, जब देखो तब उसे बुरा भला कहते हैं। भाई इसी को दे दो। पकड़ो इसे। दे दो भाई, इसी को दे दो। अरे बोला ना लो इसे। दीजिए भाई। तुम जिम्मेदार हो इसके। हाँ हाँ, चलो मिलते हैं। ओके भाई। हाँ तुम्हारा कैसा? कुछ दिनों का टाइम दो भाई, मैं ला के देता हूँ ना। और कितने दिन चाहिए तुम्हें भाई? मेरी बात तो सुनो। पैसा अभी दे रखो। मैं ला के अभी अभी का मतलब अभी। ए फाइनेंस लेके पैसे वापस नहीं करेगा तो मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? दोबारा तुझे पैसे देंगे क्या? हाँ तुम जाओ अभी, मैं देखता हूँ क्या करना है। जाने के लिए मत बोलिए सर, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा सर। ठीक है, मैं फोन करके बोलता हूँ। सर 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 सर, मुझे मार डालेंगे सर। सर प्लीज प्लीज सर सर सर। ठीक है सर, जाने सर, दो। सर ये लो, लो ये लो और उन्हें दे के आओ। सब लोग भगवान को मंदिर में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में देख रहा हूँ सर। ठीक है जाओ। थैंक यू सर, तुम्हारे भाई के भरोसे ये सब कर रहा हूँ। चल अब उन्हें ही बताता हूँ। ए चल यहाँ से पहले बाहर निकल। अरे शिवा, अगर इन लोगों से ऐसे ही दबता रहेगा ना तो जल्दी ऑफिस की क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी। इतना बड़ा मैटर नहीं है यार। अरे इतना बड़ा मैटर नहीं है तो क्या, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। हेलो, नो चांस, तुम्हारे साथ रहूंगा तो गड़बड़ हो सकती है। उनका कहना है कि उन्हें सब चाहिए, ये भी और वो भी। ऐसा बोला? ये चाहिए और वो भी चाहिए। नमस्ते। हाँ, यही सर। तो ये लो। कितने? 10,000 है। ठीक है जाओ। ये पैसा देने के टाइम किसी को देखो मत, चलो जाओ यहाँ से। जी भाई। आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब क्या करूं, फाइनेंस लेके सबको मारता रहेगा तो? लोग अगर उसका पैसा दे देंगे तो क्यों मारेगा उन्हें भला? उसके लिए मारपीट करेगा क्या? मुझे तो उसे भाई बोलने में भी शर्म आती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं यही देख रही हूँ कि आपने उसे कभी भी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, लेकिन वो हर समय आपको बड़ा भाई बोलता रहता है। इसीलिए तो सब लोग हमेशा मेरे ही सामने आके रोते रहते हैं। आपको उन्हें 2 थप्पड़ लगा के भेज देना चाहिए। हाँ मैंने भेजा, वो भी पैसे देके। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसे प्यार जताना तुम बिल्कुल भी नहीं जानते क्या? वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? उधर हाथ पैर जोड़कर काम लेते हो, यहाँ कर हमारा सर खाते हो। स्टेशन में सुबह सुबह आते ही क्या काम करना चाहिए मालूम है? गारंटीज का दिमाग गया। खत्म हो गया सर, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करके 4 साल हो गए। आज स्टेशन ट्रांसफर होकर 9वें स्टेशन में इधर आई हूँ। सब स्टेशन में 6 महीने के बाद ही मुझे ट्रांसफर कर दिया करते थे, बट इधर 3 महीने में ही ट्रांसफर हो जाएगा लगता है। क्यों? सब स्टेशनों में मेरे ऊपर ही नजर थी, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पैर जमा कर रखी हूँ। गेट पास गारंटी। ओह, इसीलिए तुम्हारा पति गेट पास देके भाग गया। पति बोलने वाला पति, पहले मेरे पास गेट पास होने दो, उसके बाद देखती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी शादी अभी तो हुई नहीं क्या? क्यों रे, तुम करोगे क्या? इसीलिए जाल बिछा रहा हूँ। ये जगह देखते देखते 5 साल हो गए, बिल्डिंग बांधते हुए 4 साल हो गए, 5 इंजीनियर आए और 20 जन मिस्त्री यहाँ रखे गए, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। ए उसको नीचे रखो, इधर क्यों रखा? हाँ ए सुन बे, जल्दी करो। कौन है ये, रोज यहाँ आके कुछ ना कुछ करता रहता है। चलो यहाँ का भी एक फोटो ले लेता हूँ। ओ भाई साहब, कुछ अकल है आपको? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपको, हर जगह जा जा के फोटो ले रहे हो,
चक्कर आके गिर गए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? इधर उधर दौड़ने के लिए तुम्हारे बाप का घर है क्या? ए, ये मेरे बाप का घर है, तेरे को क्या लेने दे रहा? चल निकल रहे यहाँ से। अरे पहले आप यहाँ से चले जाइए, ज्यादा मत बोलिए। ए, किसको बोल रहा तू? हाँ सर, तू क्या भी मुंह पे छोड़े ना सर, वो नया आदमी है सर, वो सब समझ जाएगा, तू जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ए, संभाल करे, किसको? कौन है ये, किस लिए तू इतनी इज्जत दे रहा है इसको? ये जमीन का मालिक है, जॉइंट वेंचर में जगह लिया है इसने। ओ डेली आके हम लोगों को टॉर्चर करता है। ऐसा क्या? नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना फोटो लेने, करेक्ट टाइम देख के नीचे डालता हूँ इसे। हाँ। अरे ऐसा कुछ मत करना, चलो चलते हैं, काम देखते हैं, चलो। यस सर, या बीएमआरडी आल्सो अप्रूव्ड सर। सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड केबी, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर साइट सर। आप जब भी फ्री होंगे तो हमारी साइट विजिट कीजिए सर, तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अरे भाई थोड़ा एडवांस चाहिए, मुझे शिव को पैसे देने हैं। ए क्या ये, तुम हमेशा किसी न किसी के नाम पे मुझसे एडवांस लेते रहते हो। ऑलरेडी एडवांस के नाम पे तुम 50,000 रुपए ले चुके हो मुझसे, वो तुम कब चुकाओगे ये बताओ, और बहाने नहीं चलेंगे। शिवा को मैं बोल दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं भाई, मुझे 5 तारीख को ही पैसे देना था, अभी पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। अरे यार जाओ। ठीक है भाई। अरे कैसा? अरे शिवा घर पे जाके आया क्या? नहीं यार, बस यहाँ से गुजर रहा था, ये मिले तो सोचा साथ ले चलूं। गाड़ी से आएंगे नहीं, आए बगैर रहेंगे नहीं, मेरे साथ आते नहीं, अकेले आकर कैसे काम करेंगे बताइए जरा। काम करने वाला कुछ भी काम करेगा, ऐसी कहावत है। अगर ऐसा है तो आप भी सारा काम कर लिया कीजिए। मेरे बाप के जैसी। और बता, लेबर प्लानिंग का हो गया सब? हो गया। लैंड डेवलप होने का कितना अच्छा लग रहा है ना। वो सब रहने दे भाई, प्रोग्राम कन्फर्म है ना? अरे 100% कन्फर्म है यार। जाने के बाद कैंसिल नहीं होगा ना? तू पागल है क्यों यार? प्रॉमिस यार। अच्छा हाँ, लाया क्या? ये लो भाई। कितने? 5,000 है। ठीक है जाओ। क्या रे, किस किस को कितना देना है बुक में लिख के रखा है, बराबर चेक करके भेजो। और जैसे तुमसे पहले वाले आदमी ने किया था वैसा कुछ भी मत करना। मैंने कभी भी ऐसा किया? ठीक है मैं करता हूँ। क्यों, ऐसा ही करेगा? नहीं भाई, बराबर करूँगा। ये लो, क्या पता क्या करेगा। बालू, हम लोगों के घर में भाड़े से रहने के लिए एक लड़की आई है। ठीक है माँ, आप समझ लीजिए और पूछताछ कर लीजिए। सब पूछताछ कर ली है, बेचारी के माँ बाप नहीं है और एक भाई है, बोल रही थी वो भी मुंबई में ही रहता है। ये गनगना लेके आया है बेटा, दिखने में बहुत अच्छी लड़की लगती है। यदि गनगना लेकर आया है तो अच्छी ही होगी माँ, उससे किराया एडवांस में ले लेना और रूम दे देना, ठीक है माँ? ठीक है। ये गनगना आया तो घर दे ही देते हैं। हाँ। घर कंफर्म हो गया ना, मेरा कमीशन दे दीजिए। ठीक है, बाहर कहीं खाना मत खाना, घर पे ही खाना, समझ गए ना बेटा? ये लीजिए। ओके माँ, बाय माँ। दीदी आप वाला कमीशन? मैंने मेरे बेटे को बोला है, वो दे देगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं चलता हूँ। हाय बालाजी। हाय यार। हाय दोस्तों। अरे यार इतनी जल्दी आ गए। यार वो भैंस को ले जाने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना। हाँ यार बिल्कुल सही बोला। भैंस है तो परवाह नहीं, हाथी तो नहीं है ना। करेक्ट बोला यार, सही बोला। कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, सारी डिटेल दो मुझे, मुझे मेरी माँ को बताना पड़ता है यार। अगर उसे छोड़ा तो मेरे भाई को पक्का बोल के जाने वाला है। भाइयो सुनो, लड़की के साथ जाने वाला मैटर ना, माँ को बिल्कुल नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? आ गई समझ में। ठीक है चलते हैं। चल चलते हैं। हाँ यार उसको फोन तो लगा। अरे देख वो आ ही गया पीछे से। अरे यार खिड़की से बाहर तो देख। हेलो, कितना भी बोलेंगे तो बराबर टाइम पे नहीं आएगा, प्रोग्राम में जाना है फिर भी रेडी नहीं हुआ अभी। अरे बाबा आ रहा हूँ, 2 मिनट में तैयार हो के अंदर से। यार 2 मिनट नहीं चाहिए तो 2 घंटा वेट करेंगे, पर मेहरबानी करके रेडी होके आ जा। अरे तुम लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, फौरन परफ्यूम मार के अभी आता हूँ मैं। अरे यार
लाश पे डालने वाला परफ्यूम खुद पे डालोगे ना तो तुम भी मर जाओगे। अरे तुम गधों को क्या मालूम परफ्यूम की महक। अरे गधों को ही नहीं भाई, हाथी को भी परफ्यूम नहीं पता होता। ऐसी बात है, सेंट मारने के चक्कर में अंदर ही सेटल मत हो जाना, जल्दी आ। हाँ डैड। हाँ बेटा बैठ जा। नहीं डैड टाइम नहीं, अकेले तो मैं भी नहीं पीऊंगा। डैड प्लीज समझा करो, सब फ्रेंड बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। यू कैरी ऑन, एंजॉय। ओके ओके। हाय अंकल। हाय फ्रेंड्स। जॉन को तैयार होने में देरी होगी, तुम लोग अंदर आके बैठ जाओ। आ जाओ। चलो यार अभी क्या करें इसके साथ। चीयर्स अंकल। चीयर्स। बाप बेटा बोले तो आपके जैसे होने चाहिए। लेकिन भाई भाई बोले तो इस जैसे नहीं होने चाहिए। पॉइंट है। मेरे भाई के बारे में अगर कुछ बोला ना तो जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। क्या यार, मेरे आने से पहले पार्टी शुरू कर दी। चीयर्स। अंकल आप जॉन के साथ सिर्फ खाते पीते ही हो या फिर वो भी शेयर करते हो साथ में? आप सही में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चलो यार जल्दी लेट हो रहे हैं। बाय डैड। बाय बाय। बाय 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 अंकल। बाय अंकल। बाय बाय। यार जग्गू अगर हमारे साथ होता ना क्या मस्त लग रहा है। अभी उसको याद मत करना यार, मुश्किल हो जाएगा यार। मत लग, एंजॉय करना यार। यार एक बात है, हमारी तिगड़ी अलग ही है। एक मिनट बेटी, आप पहली बार आ रही हो? हाँ जी। ए टाइम में पहले बाहर से परिक्रमा करके फिर अंदर जाते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है बेटी जाओ। हाँ जी। भगवान मेरी सोची हुई सब इच्छा पूरी कीजिए। कौन है ये लड़की? फॉरेन में एजुकेशन खत्म करके शायद आई है। हमारे गांव की लड़की भी नहीं है। बर्तन घिस घिस के परंपरा निभाने वाली हमारी बहू भी नहीं है। दिखने में तो देवदास जैसा है, बाजू में कुत्ता भी नहीं है, हाथ में बोतल भी नहीं है। दिखने में स्मार्ट है। ओके ट्राई करते हैं। बालू। हाँ माँ। बेटा मैं भी मंदिर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करके टेबल पर रख दिया है, खा लेना। क्या रखा है माँ? बहुत थोड़ा सा, आधा दर्जन चिकन, आधा दर्जन अंडा, हाफ लीटर दूध, बस। ये थोड़ा है माँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसा जिम करने वाला इतना खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? ये सब खा के बॉडी बिल्ड करोगे तभी तो ऐरावता के जैसे ही दिखोगे। इसके लिए इतना सब कुछ? खा लो, कुछ नहीं होगा, मैं मंदिर होकर आती हूँ। बाय मॉम। बाय। आंटी आंटी। हजार बार ट्राई करोगे तो भी आरवता के दर्शन नहीं होंगे। अरे अरे बाहर आइए, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप कौन हैं और मेरे घर पर क्यों आई हैं? मैं तुम्हारे भाड़े के घर के लिए नहीं आई हूँ, मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है। मम्मी घर पर नहीं है, मंदिर गई है। ठीक है ठीक है, आप अपना पोस्ट कंटिन्यू करिए। वैसे ना आप भी ठीक ठाक ही दिखते हैं। हेलो। हाँ? कोई घर पर है क्या? अरे तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई नहीं दी? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं इस घर का ओनर हूँ। आप ही इस घर के ओनर हैं? सॉरी सॉरी, मैं तब आपके घर आई थी, आपने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, मुझे कैसे पता चलेगा। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, घर पसंद आया क्या? हाँ, घर पसंद नहीं आएगा तो एडवांस दूंगी क्या? ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटीज के लिए बोला। ऐसा क्या? ठीक है ठीक है, आपका नाम क्या है बताया नहीं? मेरा नाम बाला है, होलोग्राम फैक्ट्री डीलर। ओह वेरी गुड, आपके कितने बच्चे हैं? मैं चार पोतों का दादा बन गया हूँ। क्या बोल रहे हो आप?
आप किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ, अभी अभी प्यार करना शुरू किया है। आप बहुत स्मार्ट हो, आई लाइक यू। मी टू। हाँ क्या यार, हम लोगों को यहाँ छोड़कर वहाँ के लिए मजे कर रहा है? ये तो प्रमोशन पे चल रहा है। ये लोग कहाँ से टपक पड़े? सही है, इस एरिया में रास्ते के कुत्ते ज्यादा है लगता है। दरवाजा खोलते ही सबके सब अंदर चले आते हैं। सॉरी, हमें बोल रही है। इनसे मिलो। सिद्धू, लैंड डेवलपर। हाय। नमस्ते। ये है जॉन, जॉइंट वेंचर में अपार्टमेंट बना रहा है। हे, मैं हूँ जॉन, नाम तो सुना ही होगा। और ये है अपना शिवू, फाइनेंसर। हाय। हाय। इसका भाई इंस्पेक्टर है इसी इलाके में। ओह। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? आशु, ऐश्वर्य। नाइस नेम। यू कैन सिट हियर। थैंक यू, आई एम सेफ हियर। रिंगटोन अच्छी है। नाइस ड्रेस यार। एक्सक्यूज मी। Hi brother, good morning. Good morning Aishu. कैसी हो? I'm doing good. How are you? Fine. कैसा है नया घर? बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ओनर बहुत अच्छा है, अभी घर पे ही है। भैया आपको बाद में कॉल करूँ क्या? Okay fine. Are you coming today? हाँ, मैं कुछ देर में आती हूँ। Okay then, take care. Okay brother. Own brother है? नहीं, भाड़े का है। ए, तो फिर ये कौन है? मजाक बंद करो, ओन ब्रदर से भी ऊपर है, वो अभी अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं भी वहीं पर काम करती हूँ। वो तो मुझे भी मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम है? वो क्या है ना मैडम, वो जो कुंडली आपने उनके सामने रखी है वो आप हमारे सामने रख दीजिए, क्या पता कुंडली हमसे मिल जाए। प्यार 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 की बात मुझे बोली, अब सारे गाँव को बता रहा है। आप क्यों चुप है, जबान नहीं है, कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ, जैसे तो आपने हमें बोलने की इजाजत दे दी तब से तो आप ही बड़बड़ कर रहे थे। सॉरी सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Smile, please. First time photo ले रहे हैं। मेरा single photo क्यों? सब लोग साथ में selfie लेते हैं। हाँ, हो जाएगा। Nice idea. Come on. Hey, smile, smile. अरे उसको दोनों को मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। अच्छी आएगी। हाँ। ला मैं किसी। लेना। Okay. Yeah. Hey. Aishu, can I get your number? Why? चलो इसमें दे दो ना यार। लिख लीजिए। 7022 7022 621 621 889 889. थैंक यू आशु, ऑन द वे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आओ। इट्स ओके, नो थैंक्स, माय बाइक इज हियर, आई विल ड्रॉप यू। मेरी भी तो बाइक है। अरे इसके पास रुपया है, मेरे पास बुलेट है, बुलेट। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एज अ ब्रदर, मुझे आप में से कोई भी ड्रॉप कर सकता है। निकलो। What did you say? नमस्कार सर। How are you feeling now? लेटी रहो, लेटी रहो। सर, घबराने की कोई बात नहीं है ना? Yeah, she is very fine. दो दिन में इसको डिस्चार्ज करके ले जा सकते हो। Okay, सर। अभी आप कैसी हो? मैं अभी अच्छी हूँ। अब सेहतमंद हो ना, किसी भी बात के लिए ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है? टाइम से खाना, टाइम से सोना, ठीक है? मैं तुमसे कल आकर मिलती हूँ। सर नमस्कार। हाँ। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन के लिए आया है क्या सर? वो आज आया नहीं है, सोमवार को आएगा, तब आके देखो। वो आया कि नहीं जरा देखिए बताइए ना। नहीं आया रे। बहुत अर्जेंट है सर, प्लीज देखिए ना सर। आएगा तो वेरिफिकेशन के लिए हम ही आएंगे, अभी तुम जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजा सर। देखने में तो कबाड़ी लगता है, और घर वालों ने नाम राजा रखा है, ठीक है, पासपोर्ट का आखिर करेगा क्या? दुबई में जाके ऊंट चलाऊंगा सोच रहा हूँ सर। सर मेरे जग्गू को किसने मारा कुछ पता चला? देखिए, आप लोग यहाँ रोज रोज पुलिस स्टेशन में आके परेशान मत होइए। आपका बेटा मेरे भाई जैसा है, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। जी सर। यार आयशु सुबह जब घर में आई ना, तब ऐसा लगा जैसे देवी आ गई हो।
अगर ऐसा है तो उसकी फोटो सामने रख के पूजा किया करो, पुण्य मिलेगा। सेल्फी लेते वक्त ही सोच लिया था कि उसी से शादी करूंगा। मैं डिसाइड करता हूं तो चीजें करके ही रहता हूं। उसके साथ रहते हुए मुझे स्वर्ग जैसा फील होता है। उसकी आंखें कामुक जैसी, उसका बदन सौंदर्य जैसा, उसकी बातें बांसुरी के जैसी, उसके आगे झुकना ही चाहिए। लेकिन एक बात करेक्ट है यार, भाई बोल के ड्रॉप करो, मजाक कर रही थी, मैं तभी समझ गया था। वो प्यार करेगी ऐसा बोल रहा है तू? That's why I decided to love her. मैं ऑलरेडी उससे प्यार करता हूँ यार, प्लीज तुम अपना ख्याल ना बदल डालो। सॉरी गाइस, तुम सब लोग बहुत पीछे हो। मेरी माँ मेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ रही है। सॉरी गाइस, तुम सब लोगों के लिए बैड न्यूज है, हम दोनों का ऑलरेडी फर्स्ट नाइट हो चुका है। कमिंग संडे चर्च में शादी हम लोग की। बस बस बहुत हो गया, मुंह बंद करो। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, उसी के साथ शादी के सपने देखने लगा हूँ, होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। मतलब हम सब लोग उससे प्यार करने लगे हैं? यस, हम में से किसी भी एक से वो प्यार करेगी, तब तक हम अपने प्यार का इजहार उससे नहीं करेंगे। करेक्ट यार, हम में से किसी एक को उसे ही सिलेक्ट करने दो। ओके यार, जब वो हम लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी, बाकी के लोग भाई बनके अपना फर्ज अदा करेंगे, उसकी शादी करेंगे। ओके ना? ओके ओके। वो लड़की गांव में जब से आई है तब से तुम लोगों के बर्ताव में परिवर्तन देख रहा हूँ, फिर भी ये सब गलत हो रहा है। तुम लोग प्यार में हार गए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो सीखा वो बोला। ए, तुम लोग का हो गया क्या? तुम सब लोगों को एडवाइस देने का योग्य मुझे है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे प्यार मत करो, बोलने का योग्य है मुझे। ए, सुनो, वो हमें बोलना चाहिए। प्लीज प्यार के चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो। निकल जा वरना पिटेगा। अरे रे 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 रे, मैं तो तुम लोगों को समझाने आया था। अरे मैं अपने ही सर पे खुद क्यों नहीं मार लेता, अब वो भगवान ही तुम लोगों को संभालेगा। अरे यार ये भी ना गधा है। राइट राइट। परी मेरे सपनों की तू है, परी दिल से है, तेरे बिना जीना हमको कभी। प्यार तुझे प्यार तुझे दिल कहे पास रहे, तेरी बाहों में दोबारा सबसे जुदा रे, तेरे बिन ना मुझको जीना रे। कहे सुन लो ना सपने बुन लो ना, एक दूजे संग रहेंगे रूबरू। हम दोनों मिलकर करेंगे धमाल, एक दूजे के बातों का रखेंगे ख्याल। हम दोनों मिलके हम करेंगे धमाल, एक दूजे के बातों का रखेंगे ख्याल। सुपरी मेरे सपनों की तू है, परी दिन तेरे जीना ना कभी। तो शर्माया दिल, तेरी बातों पे आया मेरा दिल। तेरे संग मेरा दिल पाए खुशियाँ, तेरा दीवाना
हो रहा है दिल का दिल तुझे तो रहते रो बरो प्यार मेरा तुझको सनम पल पल जाए छो कहता दिल तुझे तो रहते रो बरो प्यार मेरा तुझको सनम पल पल जाए छो परी मेरे सपनों की तू है परी तेरे बिना जीना हमको कभी और तुझे प्यार तुझे दिल कहे पास रहे तेरे बातों में दोबार हेलो सर मैं हवलदार सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सतीश। सर वो लंबू विक्रम को उठाकर लेकर आए हैं। ठीक है उसे लॉकअप में डालो मैं आता हूँ। जी सर। ये देखो कैसा बिल्डअप दे रहा है। क्यों रे ऐसे क्यों घूर रहा है एरोप्लेन चढ़ाऊँ क्या? वो सब रहने दो। क्या बोले उनसे तुम? क्या सुनाई नहीं दिया क्या? तुम मुझे उठा के लेके आए क्या? ये स्वामी राजेंद्र का नाम बोला इसलिए मैं आया। छोड़ रे लंबू तुम कोई दूसरा थोड़े ना हमारे ही आदमी हो ना। चलाओ चलाओ अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्वार्टर को कोटि नमस्कार करके आएगा ना तभी मैं बात करता हूँ। अरे रे रे मैं इसके सामने क्यों बात किया गलती हो गया ना। गलती किया। ओहो लॉकअप खोल रहा है। नमस्कार सर। इस केस की मैंने हर जगह इंक्वायरी की ना ही किसी पे डाउट हुआ ना ही कोई प्रूफ मिला और ना ही मिलेगा। लेकिन तेरे पे सिर्फ मुझे ही नहीं हर किसी को डाउट है। आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने ही मर्डर किया हो। सो तू मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा है ना? अहमियत दिया हूँ सर इसलिए मैं दो दिन से यहाँ पड़ा हूँ। मारो मत सर मारो मत। मैं वापस आके तुझसे पूछूंगा कि सच्चाई क्या है। बोला नहीं तो ठीक है सर ना जीने के लायक रहेगा ना देखने के समझा। तुमने शिवा से जो पैसे लिए थे वापस दे दिए लेकिन मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन ऑफिस में बुला के वार्न किया था आज टाइम खत्म हो रहा है अभी थोड़ी देर में वो इधर ही आएगा। क्या शिवा रे शिवा क्या करेगा? मैं उसको वहीं बराबर करता था लेकिन उसके भाई का मुंह देख के छोड़ दिया मैंने उसे। हाँ उठ जा तू है तेरी जिंदगी पे हा? दिखने में बीड़ी की तरह दिखता है और इतना बिल्डअप ले रहा है। तुमने जो बोला उसे पता चलेगा ना दड़ा के मारेगा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अरे अरे छोड़ दो भाई छोड़ ले यार जल्दी ले यार चाय पिलाओ यार। क्या भाई पहले से दुकान पे नहीं आ रहे हो? मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए दूसरी जगह अड्डा बना रहे हो। क्या रे अब उन्हें घर आने भूल गया तुम सब जब से वो लड़की मिली है? अरे बताओ तो सही कौन है वो मिलवाओ हमें। भगाने के लिए वो गाड़ी नहीं है शेयर करने के लिए वो खाना नहीं है। ओके ए वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है शी इज अ फ्रेंड। फ्रेंड मतलब हम भी जानते हैं कैसी वाली फ्रेंड। देख बेटा चुप बैठ वरना अच्छा नहीं होगा। आप उनको भी एक चांस दो भाड़े का घर है मेरा आप उनको भी मिला देना उससे। भाड़े का घर तेरा रहेगा तो मेरी गर्लफ्रेंड पे तू लाइन मारेगा क्या? शाना समझ रहा है तू? बेवकूफ हूँ मैं चुपचाप खड़ा रहे। लगता है सारे के सारे जान देने लगे उस पे। तुम सब कबूतरों को अच्छे से तैयार किया है शौर्य ने। अरे अरे एक लड़की के लिए रोड पे मारामारी कर रहे हैं ये लोग। इन लोग को ऐसे ही छोड़ेंगे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। पुलिस चौकी में फोन करता हूँ। तुम्हारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन अभी तुम उस एड्रेस पे नहीं हो ना? सर मैं वही हूँ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में। ऐसा है तो जाओ मैं रॉन्ग एड्रेस मेंशन करके भेज दूंगा। सर प्रॉमिस पैसा ले लो सर। कोई बात नहीं तुम आराम से पैसे लेकर आओ। तुम जब भी लेकर आओगे मैं साइन करके देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना एक बार रिजेक्ट हो गया ना फिर कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या
यार ये तो अजीब शक्ल बना रहा है। ए विक्की, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरे भाई के चंगुले फंसे हो। मेरे हाथ में फंसता तो जग्गू के जैसे तुम्हें भी शिव के पास भेज देता। इस शिब्बू को शिव के पास भेजने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, समझे? और होगा भी नहीं। ये फिल्मी डायलॉग मत मार भाई, सीरियस होके बात कर। ब्लेड के बिना, ब्लड आए बगैर मारने के लिए मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम जल्दी बाहर आओ। मैं खुद के लिए दुआ करूँ या ना करूँ, बाहर आने के बाद पता चलेगा। सर एक मिनट। क्या राजेश, कैसे हो? ठीक हूँ सर। 5 बजे नहाना, 6 बजे पूजा, 7 बजे नाश्ता। एक ही चेंज है, कभी लवर को फॉलो करता था, अब लव करने वालों को फॉलो करता हूँ। 99% लड़के लोग लव करते हैं, लेकिन 1% का सक्सेसफुल होता है, इसलिए ऐसे लड़के लोग को उनके पेरेंट्स के सामने डाल देता हूँ। बस इतना ही काम है मेरा। अच्छा काम कर रहे हो तुम। आपका भाई शिव और उसके कुछ फ्रेंड्स एक लड़की के पीछे घूम रहे हैं सर। सर मैं कितना भी बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हैं, आप थोड़ा समझाइए सर। शिव और उसके कुछ फ्रेंड्स लोग गुंडा कुमार के साथ सड़क पर ही झगड़ा कर रहे थे सर, मैंने अपनी आंखों से ही देखा। अच्छा सर मैं चलता हूँ। यार क्यों बुलाया होगा उसने? अंदर चल, उनसे ही पूछ के बताता हूँ। चुप कर यार, मजाक मत कर मेरे साथ। 4 महीने पहले मार खाई थी, अब तक याद है? अब तक बदन दर्द कर रहा है मेरा यार। ये छोड़ना, चल चल सिद्धू निकलते। सुनो, शिव को पहले भेजते हैं, बाद में हम लोग जाते, ठीक है? आहा, क्या टाइमिंग है, क्या अच्छा आइडिया दिया तुमने मेरे को। वाह, थैंक्स भाई, आई लव यू। अभी फोन आया दोस्त को। अबे तेरी। सुनो, उसके घर पे जाते हैं और लेके आते हैं। हाँ सही आइडिया है। आहा, तुम लोगों को ना सेपरेट बुला के मारेगा, चलेगा तुम लोग को? हाँ ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। अरे आ जाओ ना, क्या बात है, आज तीनों लोग साथ में आए हो? हाँ ऐसे ही खा के जाएंगे इसलिए आए हैं। हमें भाई ने बुलाया है। ए चलो ना, तुम लोग बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। जब करने के लिए कोई मंत्र तो दे देना, उसे करते हुए कॉफी पी लूंगा। आ रहा है, आ रहा है, चुप रहो, चुप बैठो। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। बैठो, संभल के बैठ। पता नहीं अब ये तीनों क्या बात करेंगे। भाई कौन से मूड में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार पता नहीं सुबह सुबह क्यों बुलाया, भगवान ही जाने क्या होगा। रक्षा कॉफी लेके आओ। कॉफी पिला के मारोगे के भाई? कॉफी पिलाकर राज उगलवाएंगे लगता ये। अगले हफ्ते हम हमारे शिव के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। उससे पहले उसके मन में क्या है बस यही जानने के लिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। नहीं नहीं हा? नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई एक लड़की से प्यार करता है वो। ये बात तो शिव से पूछ सकते थे ना, वो बता देता इन्हें। लीजिए ले लो। हाँ ठीक है। उस लड़की का एड्रेस दो, मैं जाके बात करता हूँ। पनवेल की है भाई, वहां से अभी तक सिग्नल नहीं आया है। सिग्नल आया कि नहीं मुझे नहीं पता, 1 महीने का टाइम देता हूँ, तब तक डिसाइड हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। यार कॉफी ठंडी हो गई है, जल्दी पियो। तो जाने दे ठंडी, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तू भी ना। तुम लोग ये सब कैसे करोगे मुझे नहीं पता, 1 महीने में नहीं 1 हफ्ते में वो लड़की मेरे शिव से प्यार करनी ही चाहिए। अगर मैं ही ट्राई करूंगा तो हो सकता बात बन जाए, लेकिन अगर इन लोगों ने बात की तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। हाँ भाभी। ए शिवू, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे प्यार की बातें अगर तुम्हारे दोस्त लोग हमें बताएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। हाँ भाभी
हम लोग सब बोल रहे हैं ना, ये उसको पसंद है ना? क्या बताऊं भाभी, ये तीनों भी उसको पसंद करते हैं। ये क्या बोल रहे हो, एक ही लड़की को सब लोग प्यार करते हो क्या? इडियट हो क्या? प्यार को खिलवाड़ समझ रखा है? प्यार कोई चीज नहीं है जिसे तुम खरीद लो। हर किसी को अपनी जिंदगी में प्यार नसीब नहीं होता। हाँ, प्यार का मतलब जानते हो तुम? प्यार का मतलब होता है जहाँ कलर ना भी हो वहाँ भी कलरफुल दिखाई देता है, ऐसा होता है प्यार। भाषा नहीं रहेगी तो भी जानवर को समझ में आता है। एक लड़की के जिंदगी में एंट्री होने के बाद बाकी सारे दोस्त, भाई, छोटा भाई सब बेगाने हो जाते हैं। अपने दोस्त के भाई को भाई, बाप, माँ, बहन, ऐसे संबंधों से हम उन्हें बुलाते हैं। लेकिन फ्रेंड की बीवी को बीवी बोल के, फ्रेंड के पति को पति बोल के किसी भी संबंध को बढ़ावा नहीं दे सकते। किसी एक के लिए तुम लोग उस लड़की को छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे इस बात से खुशी होगी। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। ये सब बातें उसे मालूम है क्या? उसे नहीं मालूम भाभी। उसके पता होने से पहले तुम लोगों को निर्णय लेना होगा। दिमाग बोल रहा है तुझे ना चाहूं, दिल बोल रहा है तुझे चाहूं, तुझे याद करता हूं तो तू आंखों के सामने नजर आती है, तुझे याद नहीं करता हूं तो भी मेरे साथ ही रहती है, ये तुझे कैसे बताऊं? क्या हो गया? अभी तक इन लोगों ने एक मैसेज भी नहीं किया, एक फोन भी नहीं किया। मैं फोन कर रही हूँ तो रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कौन है? हे आयशु। आयशु का फोन है? हाँ माँ। हाय आयशु, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? हाँ, मैं कल रात से तुम सबको मैसेज कर रही हूँ, तुम में से किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। नींद हराम हो गई मेरी। आयशु, स्पीकर ऑन करो, हमें भी सुनना है। अरे चुप क्यों हो, जिंदा हो ना तुम? क्यों? अरे तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा बिजनेस का टेंशन था। जस्ट शट अप, व्हाटएवर, फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे भूलना नहीं चाहिए ना। ओके आयशु, सॉरी। इट्स ओके, फ्री होकर मुझे कॉल करना, बाय। ऐसी लड़की से प्यार करने के लिए सोच रहा है फूल? तुम जो गलती कर रहे हो ना, आज समझ में नहीं आएगा, कल वो जब किसी और से प्यार करेगी तब समझ में आएगा तुम्हें। तभी पता चलेगा तो कुछ यूज नहीं, नथिंग। तुम उससे प्यार करो या ना करो, मैं तो प्यार उसी से करके रहूंगी और उसी से ही शादी करूंगी। कौन है वो? साथ में वर्क करता है, वो बहुत ही डिसेंट है। पापा को मालूम पड़ेगा तो? मालूम क्या पड़ेगा, मैं खुद ही बोल दूंगी। देखा तुमने मेरी बेटी को, जिंदगी में निर्णय कैसे लेना चाहिए, मेरी बेटी को देखकर सीखना चाहिए तुम्हें। लव यू मम्मी, बाय मॉम। ये मेरी बात सुनेगा ही नहीं। बाय डैड। बाय। क्या रे, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? लड़की को लड़के जैसा पाला है, लड़के को लड़की के जैसा पाला। तुझे अच्छी परवरिश करने के लिए बोला था, तूने ये परवरिश दी है। सही है, अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि आप मिलिट्री में थे ना, अभी तो आप रिटायर होके आ गए हैं ना,
तुमने ही अपने बच्चों को खराब किया है, बेटा बेटी बोल के लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है उन्हें, और अब मेरा सिर खा रहे हो। वो बिगड़ा बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छा ही है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को खराब नहीं कर रही हूँ, मैं बस उन्हें तरक्की करने के लिए बोलती रहती हूँ। बस बस, तुम ये तरक्की करवा रही हो। सब घरों में बाप को बेटी पसंद होती है और माँ को बेटा पसंद होता है, हमारे घर में तो कुछ अजीब ही है। बीवी घर चलाएगी तो सब घरों में ऐसे ही होगा, सब अजीब अजीब। वो सब मुझे पता है, बात मत करो, चुप रहो। हाय हाय। जॉन, प्रसाद नहीं खिलाओगी क्या? क्या रे, जब तक मुझसे रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग मंदिर नहीं आओगे क्या? What a beautiful picture. एक पत्ता, उस पत्ते में प्रपोज करने वाली एक जोड़ी। तुम्हारा प्रपोज करने का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आया। आई लव यू शिवू, आई रियली लव यू। I love you too, Aishu. Wow, what an awesome picture. इतने सारे पेड़, पेड़ के बीच में तालाब, तालाब के बीच में एक बोट, उसमें मैं और तुम, बहुत सारी बारिश, एक छतरी। How romantic. I love this pic. मुझे इस जगह लेकर जाओगे ना तुम? I love you so much, Sidhu. ये confuse कर रही है। I don't know how to explain this pic. बहुत सेक्सी है। तुम ऐसा सब कुछ फील कर रहे हो क्या? You naughty boy. I love you, John. ये ऐसे क्यों कर रही है? इसका प्लान क्या है? Want to spend every moment with you. Is it true? I like you, Balaji. I too love to spend every moment with you. Thank you, Sabhiko. Sorry, Aishu. Straight to the point. We all like you. And yes, we all love you. And to find whom you love, that's why we need all these. Good. I like you guys and love you too. Lekin, tum sab log mere dimag ko acche lage. मेरे मन को नहीं। इन फ्यूचर तुम में से कोई भी मुझे अच्छा लगा ना, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी जरूर, वरना हम दोस्त बनकर रहेंगे। तुम सभी लोगों को मेरी दोस्ती पसंद है तो कंटिन्यू रखो, नहीं तो नो नीड। घर में रहती हो तो बहू से डर के काम करना पड़ता है। अरे यहाँ किससे डर के काम कर रही हो? डिस्चार्ज होने के बाद घर में ही जाते हैं ना। लक्ष्मी लक्ष्मी, तुम्हारे दो प्यारे से बच्चे हैं, तुम बोलोगी तो कितनी भी तकलीफ हो भागे भागे आते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसे तो दोनों बच्चे मेरे लिए झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है ठीक है, अब तुम इमोशनल मत हो जाओ। नहीं होती, लेकिन वंश चलाने के लिए बेटा तो चाहिए ना। कितने दिन तक माँ बाप लड़का और लड़की देखते रहेंगे? अरे लड़का और लड़की नहीं देखना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, बाय बाय। Thank you.
What happened, my son? काफी दिनों से तुमने मेरे साथ ड्रिंक्स नहीं लिए, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे हो। बोलो क्या बात है? प्यार डैड, प्यार। प्यार व्यार के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है बेटा। दाना डाल के पंछी को पकड़ना चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ आइडिया देता हूं। मुझे पता है डैड आप क्या आइडिया देंगे। ओके ओके माय सन, सीरियसली मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। इस अपार्टमेंट के चार फ्लैट्स, मैसूर, कांजीवरम, बनारस, इसके साथ गोल्डन डायमंड्स गिफ्ट में दे दो तो तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुमसे ज्यादा वो तुमसे प्यार करेगी। सीरियस होके एक अच्छे बाप के जैसा आइडिया दो मुझे। मैं तुम्हारे साथ कभी बाप की तरह रहा हूं क्या? वो मेरी गलती नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाइए डैड, आप चले जाइए। अभी तुम बहुत गुस्से में हो, जब मेरा बेटा बन के आओगे तब बात करूंगा। मैं वापस वही पुराना जॉन बन जाऊं, सपना मत देखना। प्यार करने वाला हर एक लड़का तुम्हारी तरह बात करता है, लेकिन जाएगा कहाँ, घूम फिर के यहीं आएगा। I will wait for you. अरे ए, गधे, मैं तेरा बाप हूँ बाप, तेरे धक्का देने तक मैं वहां चुपचाप खड़ा रहूंगा, मुझे भेड़ समझ रखा है क्या? Love you, Dad. माँ, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगी तो एक बात पूछूं? क्या है, पूछो। नहीं, आप डांटेंगी इसलिए मैं नहीं पूछता। नहीं डांटूंगी बाबा, बोलो। मेरी शादी के बारे में आपने क्या सोचा माँ? मैंने कुछ नहीं सोचा बेटा। लड़की बहुत अच्छी है और वो आपको भी बहुत पसंद करती है माँ। उसको पसंद है क्या, मुझे भी पसंद होना चाहिए ना। जानती हूँ वो कौन है, हमारे घर में बढ़ोतरी है, बहुत अच्छी है, मन भी उसका बहुत साफ है। बेचारी के माँ बाप नहीं है, दिल से वो मुझे अपनी माँ समझती है। देखो बालू, तुम नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो हमारे घर में बहू बनकर आएगी, मैंने सोच लिया है। माँ, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं क्यों मजाक करूंगी बेटा, तुम्हारी शादी उसी से हो जाए, रोज मंदिर में जाकर यही मन्नत मांग कर आती हूँ मैं। देखो, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मैं अपने हाथों से स्वेटर बुन रही हूँ बेटा। माँ, ये सब बातें बना के आप मेरे साथ ड्रामा कर रही है क्या? तुम ड्रामा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? अभी तक तुम्हारा खेल था, इसके बाद अभी मेरा खेल है। इस लव शप के चक्कर मत पड़ बेटा, हमारे घर में भी एक लड़की है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसका मतलब बहनें घर पे होंगी तो प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार करो, मैंने उसके लिए नहीं रोका, हमें सूट नहीं करता। हम जैसे लोग जाति, खानदान, रिश्तेदार, ये सब चीजें जरूर देखते हैं। ये सब तुम्हारे बच्चों के समय में बदल जाएगा, पर अभी ये सब सोचना पड़ता है। ठीक है पापा, मैं सोचता हूँ। अगर तुम प्यार को कंटिन्यू करोगे तो ये जो काम बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। तेरे पास ज्यादा दिमाग है, तुझे और क्या समझाऊं मैं, सोच समझ के डिसीजन ले लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू सही डिसीजन लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तुम ये सब जो कर रहे हो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। भाभी, सही है या गलत मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक महीना मैं ट्राई करता हूँ, हुआ तो ठीक है,
नहीं हुआ तो ओके। यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव मैन, क्यों नहीं होगा? मैं जैसा बोलूंगी वैसा करो, वर्कआउट होगा ही होगा। भाभी आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? ओके भाभी। ओके, एनी हाउ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार सर। आप लोग बार बार आके परेशान ना हो ऐसा बोला था ना, मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं फोन करके बता दूंगा आपको। हॉस्पिटल से फोन आया था रिपोर्ट के लिए, जग्गू की, बोला अगर हॉस्पिटल आए तो रिपोर्ट लेकर जाइएगा, यही बात हम आपको बताने चले आए यहाँ। कौन सा हॉस्पिटल है? क्यों जी, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में ही प्रॉब्लम है। जब से तुमको देखा, खाना, नींद कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझ पे ध्यान के बजाय काम पर ध्यान रखो। ओ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और मैं डीप में तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ डार्लिंग। मुझे लगता है अब जल्द ही मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, मैं देखता हूँ। देखने के लिए आँख नहीं रहेगी। क्यों जी? मैं निकाल दूंगी। हेलो डॉक्टर, प्लीज कम इन, टेक योर सीट। थैंक यू। ये क्यों इधर आए हैं भाई के साथ? इन्हें क्या काम है? आशु, हाँ, लास्ट टू अंडर लीवर रिपोर्ट में जगमोहन की फाइल है, चाहो से लेकर आओ। हाँ, जरा जल्दी लेके आओ। हाँ ठीक है। आयशु, लक्ष्मी मैडम को फिजियोथेरेपी करके दो। हाँ ठीक है। ये पेशेंट जनरल टेस्ट के लिए आया था, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वो रिपोर्ट लेने के लिए आया ही नहीं। जैसे सबको इन्फॉर्म करते हैं उसको भी इन्फॉर्म किया। मेरे शिफ्ट के बारे में कुछ बात करने आए हैं क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखे है ना, कोई क्लू मिला? नो डॉक्टर, हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ भी हुआ या बाहर जो कुछ भी हुआ उसने कुछ फॉलो नहीं किया। आई मीन कैमरा फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। थैंक गॉड, मेरे बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए डॉक्टर, सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी मुझे दीजिए। श्योर सर। वंस अगेन आई थैंक यू डॉक्टर। एज अ पब्लिक सर्वेंट इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई ड्यूटी सर। आई एम प्राउड ऑफ यू डॉक्टर। ये यहां काम करती है क्या? सर एक कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट देनी है, उधर जाइए। ठीक है सर। सर एक कंप्लेंट लिखवानी है। क्या मैडम, क्या प्रॉब्लम है? सर इसके ऊपर कंप्लेंट लिखवानी है। ये क्या? इसके ऊपर कंप्लेंट लिखवानी है। मेरे पति को रख के मुंह में जो आता है गाली बके जा रही है और मुझे भी मार रही है। क्या मगजमारी है? सब कुछ करके अब मेरी कंप्लेन यहाँ देने के लिए आई है। सर पहले मेरी कंप्लेन लिखिए सर। हाँ सर, पहले मैं आई हूँ तो पहले मेरी कंप्लेन लिखिए। ये मेरी सौतन है, मेरे पति को रख के कुत्ते को जैसा मारते हैं वैसा मेरे पति को मार रही है। सर पहले मेरा कंप्लेन लिखिए। तुम मेरे पति को नहीं रखी क्या? पहले रखी थी लेकिन निकम्मे के जैसा खा पी के यहाँ वहाँ रात दिन भटकने लगा, इसलिए उसको छोड़ दी। ज्यादा मेरे साथ मगजमारी मत कर। हाँ, इसके लिए तो मैं उसको अपने पास रखी हूँ। देखा सर इसको? तुम्हारा अवतार देखो ना। भगवान कहाँ फंस गया। कमीनी मुझे मारेगी तू? तुम्हारा बाल पकड़ के क्या करती हूँ? कमीनी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सर देखो इसको, जा जा यहाँ से, जा। तुम्हारा गला घोट दूंगी। चल यहाँ से, छोड़ जा। भगवान बचा ले। कमीनी रुक, तेरे बाल में निकाल के रख दे। ए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, कोई सिटी मार्केट नहीं है। तुम लोग ऐसी लड़ती रहोगी तो तुम दोनों को अंदर डालना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। कहाँ है लेडी पुलिस? सर अंदर ही थे, मैं भूल गया। सतीश ये पुलिस स्टेशन है,
यहाँ बैठ के मजे कर रहे हो तुम? बोलो, उन दोनों को पुलिस स्टेशन में झगड़ा करने से मना करने के बजाय उन्हें झगड़ने दिया, वो दोनों झगड़ा कर रही हैं और तुम मजे ले रहे हो, हंस रहे हो, सब खुश हो रहे हो। सॉरी सर। क्या इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया तुमने? इडियट्स। सबके मामले में करेक्ट है, मेरे मामले में क्यों नहीं? कौन है? हाँ आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सॉरी सर, अंदर आइए। बैठिए सर। वो मेरा फैमिली फोटो है, उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं, इसीलिए फोटो पर हार नहीं डाला। आई थिंक यू आर वेरी इमोशनल। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कॉफी? नो थैंक्स। आपको मेरे भाई के बारे में क्या लगता है? आप क्या बोलना चाहते हैं मैं जानती हूँ, मैं वैसा ही बोलूंगी। आई हेट यू बोल के या तो उसे समझा दो वरना ये एरिया खाली करने की तैयारी कर लो। क्या सर, डरा रहे हैं क्या? इनफैक्ट मैं आपके भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो मुझसे प्यार करता है और खुद मेरे पीछे पड़ा है। आपको जो कुछ भी बोलना है अपने भाई को जाके बोलिए, शिव के भाई हैं इसलिए आपको अंदर आने दिया। अगर सिर्फ पुलिस ऑफिसर होते ना तो बाहर ही खड़ा करके तुमसे बात करती और वहीं से वापस भेज देती। लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए, गांव छोड़ के शहर आके शहर के लड़कों को फंसा के उन्हें अपने प्यार के झूठे चक्कर में डाल के धंधा करती है और नाम के लिए नर्स की नौकरी करती है। चल मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। तुम अपने आप आओगी तो जीप में लेके जाऊंगा, वरना घसीटते हुए लेके जाऊंगा। अरे छोड़िए छोड़िए सर, अरे मेरा हाथ छोड़िए। चल प्लीज। चल मेरे साथ। छोड़ो छोड़ो। पकड़ो आओ पकड़ो। छोड़ छोड़ रे। पकड़ पकड़ रे पकड़। लाइफ में मैंने आज तक जो भी किया वो करके कभी खुश नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पाने के बाद मैं समझ गया हूँ प्यार क्या होता है। लेकिन ऐश्वर्या, भैया ने जो आज बताया क्या वो सच है? नहीं। अब तो फिर? तुम्हें अगर सच में मुझसे प्यार है और अगर तुमने मेरी इज्जत करी है तो वादा करो तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगे। हम दोनों की शादी भी हुई तो भी नहीं, मेरी कसम है तुम्हें। मैंने तो तुमसे प्यार नहीं किया, पर तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारे भाई को ये पसंद नहीं। आज सुबह ये सब उसी का रिएक्शन था। इस बारे में और कुछ भी मत कहना और अपने दोस्तों को भी मत बताना। सच्चा प्यार कभी भी मरता नहीं शिवू, वो तुम्हारे भाई नहीं तुम्हारे पिता समान है, वो जैसा कहते हैं
तुम वैसा ही करो। वो जो बोले मैं करूंगा, लेकिन ऐश्वर्या जब वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं? ऐसा मत बोलो शिवू, तुम्हें उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया? मेरे भाई के साथ प्यार करने के लिए, या वो मुझसे डरी नहीं इसलिए? उसने ये बात मेरे भाई को बोल दी तो वो क्या सोचेगा? लेकिन उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, एकदम से ही पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। अजीब बात है। बाहर आओ, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। ये लो तुम्हारा फोन, ये 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। जी सर। जैसे ही फोन करूं उसके आधे घंटे के अंदर पहुंच जाना। ओके सर, जाता हूं। हाँ कौन है बोलो? बड़ी बहन बोल रही थी, और कौन बोलेगा? छोटा हुआ तो भी चलेगा, मैं ही शादी करूंगी बोल रही थी, लेकिन तुमने ही उससे मना कर दिया। ये बात तुम्हारे मुँह से बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। तुम्हारा पति सुन लेगा तो जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, मैं यही बात कितनी बार उनसे बोल चुकी हूँ। वो सब कुछ छोड़ो, कौन है वो लड़की? मेरे से भी अच्छी है क्या? हाँ, उसका नाम है ऐश्वर्या। हाँ ठीक है ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। क्या बात है? शिव के बारे में तुम अपनी बहन से बड़ा हंस के बात कर रही थी, क्यों? उसका लव सक्सेसफुल हो गया क्या? नहीं होना चाहिए क्या, यही सोच रहे हैं? नहीं जानू, उसके खेलने के वक्त पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, और स्ट्रिक्ट होने के वक्त पर मैंने उसे खेलने के लिए छोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, पर हुआ क्या? कुछ होना भी नहीं चाहिए यही सोच रहा था, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचे बिना मैंने अपने शिव को 1 महीने का टाइम दे दिया। टाइम देके शायद गलती कर दी मैंने। अरे वो आपका भाई है जी, 1 महीना क्या, 1 साल भी टाइम देंगे तो भी वो कभी गलती नहीं कर सकता। उसी दिन बोल रहा था वो कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दो, मेरी पक्का शादी कर लेता। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि आपने पहली बार उसकी पसंद का काम किया है, सो आप कुछ भी फील मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम नहीं होना चाहिए, इसी बात का डर है। सुनो दीदी, 1 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है, हर बार मैं भूल जाती हूँ। क्या बात है, अच्छा बताइए। मेरा बेटा सिद्धू है ना, वो जो तुम्हारे घर पे लड़की है ना ऐश्वर्या, उसको बहुत प्यार करता है। ऐसा क्या? मेरा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे बेटे से नहीं, मेरे बेटे से जोड़ी अच्छी लगती है उसकी, दोनों साथ चलते हैं तो बिल्कुल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लगते हैं। चुप बैठो माला, मजाक मत करो। ऐश्वर्या मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ ही मेरे बेटे की जोड़ी बिल्कुल सही लगती है। वो दोनों जब चल के आते हैं तो कैसे दिखते हैं मालूम है? ध्रुवास राजा और राधिका, ऐसे ही लगते हैं मेरा बेटा और लक्ष्मी। हेलो सिस्टर, 1 मिनट, आयुषु ध्रुवा नहीं, सुदीप दर्शन और 2 जन हैं। क्या तुम्हारे बच्चे लोग उन्हें पसंद करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे बच्चे लोग को वो पसंद करते हैं कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। ए तुम चुप बैठो, उसकी जोड़ी मेरे बेटे के साथ ही अच्छी लगती है और वो मेरे बेटे को पसंद भी करती है। नो चांस, मेरे बेटे के साथ परफेक्ट मैच है उसका। वो 4 लोगों में से किसी एक को प्यार करती है या दूसरे किसी और को भी प्यार करती है, किसको पता। तुम लोग बच्चों की जल्दी से शादी करवा दो, प्यार को उठा के फेंक दो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। क्या बोला तुमने? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? छोड़ो, अरे एक बार बोल, और एक बार बोल, अभी ऐसा बोलेगा तो पिटेगा। ये इतना लंगड़ाते हुए क्यों आ रहा है भाई, क्या हुआ? किसी को फ्री में एडवाइस देके फ्री में लात घूंसे खा के आए हो? समाज सेवा के लिए मिला हुआ गिफ्ट है। रज्जा एक चाय दे दो भाई, दे दो, बढ़िया चाय,
इसके चेहरे पे समाज सेवा की सूजन चढ़ी है। तुम्हारे जैसे लोग एक ही जमीन को तीन तीन लोगों को बेचते हैं। ज्यादा मत बोल, चुपचाप बैठ। अरे माँ, ओ माँ, आह आह आह। क्यों रे राजेश, किसने मारा तुझे? क्यों मारा? बस इसीलिए उन्होंने मारा। मेरी बोली हुई बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ए जरा जल्दी लाइटर देना यार। नहीं है यार मेरे पास, तेरे पास है क्या यार? यार हमेशा जग्गू ही हम लोगों की सिगरेट जलाता था। सब लोगों का मूड क्यों खराब है? What happened? See my best friend Jaggu, ये हम सब लोगों को छोड़कर चला गया। Jaggu? जब वो साथ में रहता था तो हमारी जोड़ी बिल्कुल अलग रहती थी। उसके लिए तुम लोग इतने उदास हो रहे हो? इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। यहाँ सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही है। उसके लिए अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चीयर अप। गुड। आयशु? हाँ। मैं शिव की भाभी हूँ। हाँ मैंने फोटो में देखा था, अंदर आइए। इंस्पेक्टर की वाइफ अंदर क्यों गई? घर को बहुत अच्छे से सजाया है तुमने। थैंक यू, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारा भाई कैसा है? फोन तो करता रहता है ना, वो कब आने वाला है कुछ बताया है? आपको क्या चाहिए बोलिए। बोलती हूँ लेकिन नहीं बोलना चाहती। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ओह सॉरी आयशु, तुम्हारा सुबह ही मूड खराब हुआ लगता है। अपने भाई का नंबर मुझे दोगी? मुझे उनसे थोड़ा बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हारे बारे में, शिव के बारे में। जब आपके बात करने का वक्त आएगा खुद नंबर दे दूंगी। उस टाइम का मैं वेट करती रहूंगी। कभी कभी पसंद करने वाली चीज आसानी से मिलती नहीं है। बोलने के लिए ठीक है पर सपने पूरे नहीं होते। मैं निकलती हूँ। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, तुम्हें मिस करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं किसी को मिस करने के लिए पसंद नहीं करती हूँ। अब तक मिस किया मेरे लिए बस उतना ही काफी है। ओके टेक केयर। थैंक यू। सॉरी सर, मैं वो पेशेंट को मेडिसिन दे रही थी। आइए। जॉन बहुत ही अनलकी बच्चा है। पैदा होने के एक साल बाद उसने अपनी मां को खो दिया। एसएससी पढ़ने के समय उसे बाप का प्यार भी नहीं मिला। इस उम्र में जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा उसे। बुरे लड़कों की संगत में बुरी आदतें सीख चुका है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं प्यार में पड़ गया हूं। उसका पागल प्यार देखकर मुझे लगा कि आप उसकी लाइफ पार्टनर बनेंगी। बट आपसे मिला तो यकीन हुआ कि उसे मां का भी प्यार मिलेगा। आप अनजान पेशेंट्स की इतनी सेवा करती हैं तो अपनों की आप कितनी सेवा करेंगी? आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं।
आप जैसा बोल रहे हैं वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है ये सच है कि झूठ है ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम, पर मैं उससे प्यार नहीं करती, ये मैं भी बोल दूंगी, आप भी बोल देना। एक एक के प्यार ममता को देख के उनके घर की बहू बनने की इच्छा हो रही है। वो देने वाले प्यार हमदर्दी से मन विचलित हो रहा है। बेटा मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, मेरी भी तुम्हारे जैसी एक लड़की है और उसका भाई अपना फ्यूचर खराब करके प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से ही खराब हो रहा है। मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक खेलना बंद कर दो। मैं जानता हूं तुम उसको प्यार नहीं करती और कभी करोगी भी नहीं। तुम जो चाल चल रही हो वो ये नहीं समझ पा रहा है। मैं खुद भी इसी बारे में ही सोच रही थी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाऊंगी, इस एरिया को ही छोड़ दूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम उससे बहुत ही दूर जा रही हो। मैं ये सोच के आया कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बनोगी, लेकिन अब लगता है कि तुम एक सही लड़की हो। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था वो सब गलत था। तुम जहां रहो खुश रहो। आयशु तुम कुछ गलत नहीं सोचोगी तो तुमसे एक बात बोलूं, मानोगी क्या? क्या है आंटी बोलो। नहीं होगा ऐसा मत बोलना आयशु, शादी होने के बाद तुम हमारे साथ ही रहो ऐसा जरूरी नहीं, जहां तुम्हारा मन हो तुम वहीं रहना, ठीक है? मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई एक दिन बताओ जो तुम्हें अपने माँ की कमी फील हुई हो। फील होने के लिए आप छोड़ेंगे तब तो ना। आयशु तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ऐसा कभी तुमने फील किया? नो वे, वो नहीं तो दूसरी और दूसरी नहीं तो तीसरी, उसके लिए मैं अपना दिमाग खराब करने वाला नहीं। नो माय सन, लाइफ में कितनी ही लड़कियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन वाइफ बनने वाली एक ही होती है और वो लड़की आयशु होगी तो तुम्हारी जिंदगी कलरफुल हो जाएगी। आयशु मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। पापा आप चिंता मत कीजिए, आयशु इस घर में बहू बनकर जरूर आएगी। एक सेलफोन खरीदने के लिए इतना रिसर्च करना जरूरी है क्या? पहले सेलफोन के लिए नोकिया और सैमसंग कंपनी थी और अभी हजारों कंपनियां हो गई हैं और अब तो सब जगह पर आईफोन ही नजर आ रहे हैं। देखते हैं कितना रेट है। वाह न्यू टैप्स, लेट्स चेक। ये बुक करता हूँ, ये ऑनलाइन परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। इसमें ये सारी चीजें हैं तो पब्लिक को तो पता चलेगी ना। बाई चांस अगर समाज को ऐसा पता चला, अरे तो समाज तो छोड़ेगा नहीं। ओह माय गॉड, ये सब सच है? मान नहीं सकते, ये कैसे ऐप्स डेवलप किए जा रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी, छे वर्स्ट टेक्नोलॉजी है तो। हाय आयशु। हाय। हाय। हेलो। हाय। हाय हाय। 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसी हो? हाँ। हे
नया मोबाइल है? यस, कल ही तो लिया मैंने 90,000 का। ओह रियली? यस। एक बार मुझे दिखाना। दिखाता हूँ। आज सुबह मिलना है करके आधी रात को मैसेज किया था, पहले वो तो बताओ, याद है कि भूल गई? टेल अस व्हाट्स द मैटर। तुम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का सोच रही हूँ अभी से, अपने प्यार का इजहार करके। 3 लोगों को हर्ट करने का मेरा मन नहीं है। मेरे प्यार के इजहार के वक्त सब जगह सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सूरज के किरणों के प्रकाश में मेरे प्यार का इजहार हो। लव करती है लव, देखता हूँ वो कैसे प्यार करती है। ये राजेश के रहते हुए गांव में कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है। मैं अपने प्रेमी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। बाकी के सभी लोग आकर अपनी विश मांगो, वो जगह डेवलपिंग फील्ड हो सकता है या तो अल्कोलोक फैक्ट्री भी हो सकता है। तुम्हारा जॉइंट वेंचर अपार्टमेंट भी हो सकता है या तो तुम्हारी पसंदीदा जगह भी हो सकती है। सी यू गाइस, बाय बाय। शिबू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आयशु ने डिसाइड कर लिया भाभी कि आखिरकार उसका लवर कौन है। ऐसा है तो तुमसे प्यार नहीं करती क्या? मालूम नहीं, बोला है कल बताएगी। माय गॉड, तुम्हें देख के मैं तो घबरा ही गई थी। कल बोलेगी इसके लिए तुम्हारा मूड खराब हो गया। अगर वो किसी और से प्यार करेगी तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए तो डर लग रहा है भाभी कि कल क्या होगा। भाई अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए क्या? डरो मत, सब अच्छा हो जाएगा। ओके, आई विल ट्राई। ओके, गुड लक। ये बहुत ही पावरफुल स्वामी जी हैं। ये अगर ठान लेते हैं ना तो अच्छे पति पत्नी को भी अलग करवा देते हैं, गले पड़ी लड़की को छुड़वा देते हैं। भाग के गई बीवी को कौन लेके आया बताओ जरा इन्हें। हाँ, भाग के गई हुई बीवी को भी वापस ले आते हैं, अच्छे भले संसार को खराब कर देते हैं। आपकी पावर कितनी है मैं जानता हूँ ना, इसलिए इनको यहाँ लाया हूँ। पहले इनका लव मैटर सॉल्व कीजिए। लव मैटर है, मिलाना है या छुड़ाना है? मिलाना है स्वामी जी, मिलाना है। माँ, ये सब नहीं चाहिए माँ, चलो। तुम चुप बैठो। आपके लड़के से वो लड़की प्यार करेगी ही करेगी, वो होने के बाद ही आप मुझे एक साइड दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो नहीं हुआ तो जगह पे मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। ठीक है, आ गया ना। इधर आओ। अरे अरे यार, संभालो इसको। अरे टीका तो लगवा ले, क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है। हाथ ला, हाथ ला, धागा बांध दे। तो नहीं मास नहीं चाहिए। अरे रे 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 रे, क्या है माँ? सुनो ना माँ, सुबह से बिना कुछ खाए पिए पूजा कर रही हो आप। एक दिन नहीं आप माँ, पूरे एक साल भी आप पूजा करती रहोगी ना तो भी मेरे नसीब में आयशु का नाम नहीं लिखा है, वो मुझे नहीं मिलेगी माँ। ऐसा नहीं है बालू, पूजा और प्रार्थना आने वाले अनर्थ को रोकती हैं। माँ, आने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं लेकिन किसी के नसीब को नहीं बदल सकते माँ। नहीं बेटा बालू, देखना कल वो तुम्हारे पास आके मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बालू यही बोलेगी वो तुमसे। भगवान, शिव बहुत इनोसेंट लड़का है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसे कुछ नहीं पता। वो जिस लड़की से प्यार करता है बस वो अच्छी हो। आप उन दोनों को एक करो। हेलो, यस सर, इंस्पेक्टर केमर हियर, इमीडिएटली इस नंबर की डिटेल्स दो। प्लीज नोट द नंबर। बोलिए सर। 7022 7022 621 621 889 889। सर प्लीज होल्ड द लाइन सर। श्योर सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग द लाइन सर। ये नंबर 5 दिनों से नॉन रीचेबल है, इनकमिंग आउटगोइंग रेस्ट्रिक्टेड है। प्लीज नोट द डिटेल सर। डॉक्टर नितेश बालदा, डॉक्टर नितेश बालदा, नंबर 105
8th block, मंत्री अपार्टमेंट्स, बैंगलोर 34। हेलो। हाँ सर, आपने जैसा बोला मैंने उन चार लड़कों को फॉलो किया। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा। तो उसका भाई मुंबई में था, जरूर नितेश ही होगा। दोनों मिलके कुछ तो प्लान कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। I saw your message. Network problem is heavy here. I'm leaving now. I will be reaching tomorrow early morning. Please don't mistake me. Thank you. ये गलती करने वाला होता तो मैसेज देखते ही रिप्लाई नहीं करता। Sorry for the disturbance, doctor. It's okay, sir. शिव जो है वो मेरा भाई है और वो आपके ऑफिस में काम करने वाली आयशु से प्यार करता है। उसके लिए इतनी इमरजेंसी क्यों? उस दिन मैंने उसे अपने एरिया में देखा जग्गू के बारे में इंक्वायरी करते हुए। उसका रिएक्शन कुछ अजीब सा था। यही जानने के लिए जब मैं उसके घर गया तो उसने बहुत अजीब रिएक्ट किया। पुलिस डिपार्टमेंट है ही ऐसा, आप लोगों को तो किसी पर भी शक हो जाता है। एज अ वेल विशर, ब्रदर, गार्जियन, फ्रेंड, जितना मैं जानता हूं आयशु ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं बोलूं या ना बोलूं, आप अपने भाई से शादी नहीं कराएंगे। फिर मैं ऐसा क्यों बोलूं? आप नहीं बोलेंगे तो उसे लॉकअप में डालकर हमारे स्टाइल में डील करना पड़ेगा। बोलिए डॉक्टर, सोच लीजिए आप। आयशु एक बहुत अच्छी लड़की है। हॉस्पिटल में पेशेंट को जैसे वो देखती है ऐसे तो एक नर्स भी नहीं देखती। मैं आयशु का भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड भी हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, पापा बिजनेसमैन, माँ हाउसवाइफ। ऐश्वर्या IASC कर रही थी, सिटी लाइफ पसंद नहीं थी। उसकी एक स्मॉल फैमिली बट अ ब्यूटीफुल फैमिली। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, वर हमें दे, वर हमें दे। खुश रहे हम वर दे हमें, एक दूजे संग मिलके रहे, देव जैसे माता पिता, इनके साए में ही पलूं। मेरे प्रभु वर हमें दे। सपने सभी एक दूजे के संग मिलके रहे, गम को भुला कर हंसते रहे। मन की सुन ले, सुन ले प्रभु, वर दे दे हमें, प्यार का मंदिर वर दे हमें, वर दे हमें।
बचपन की यादें हमें देती है खुशी, एक दूजे से हम ना रूठेंगे कभी। प्यार ये अपना है सबसे जुदा, हर गम को हंस के सहता रहा। मेरा प्यार प्रभु आशीष दे, सुख शांति मिले आशीष दे। लास्ट ईयर दीपावली के दिन आयशु तेज रफ्तार से कार ड्राइव कर रही थी और उसकी उस तेज रफ्तार से कार एक्सीडेंट हो गया और उसी कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई। अरे विनोद, आयशु कैसी है? कैसी है, तू तो जैसे कुछ जानता ही नहीं। माँ बाप की तिथि के समय आके गया, उसके बाद घर पर एक बार भी आकर नहीं देखा। मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, मेरी वजह से मेरे माँ बाप मर गए, उसी गम से वो अब तक बाहर नहीं आई और तुम पूछते हो कि वो कैसी है। वसंत, अगर तुम चाहो तो आयशु को मुस्कुराहट दे सकते हो। मैं भी रोज रोज आने के लिए सोचता ही रहता हूँ पर आना ही नहीं हो रहा है, वर्क बिजी। एटलीस्ट फोन पे बात कर सकूं, 10 बार फोन करता हूँ लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं करती है। अरे फोन तो रिसीव करना चाहिए ना, और यहाँ मेरी कोई तकलीफ ही नहीं समझता है। थोड़ा मेरे बारे में तो सोचो यार, प्लीज। ओके, एटलीस्ट शादी करके उसे घर पे तो लेके जा सकते हो ना। तुम्हारी कसम, घर पे शादी के लिए सब राह देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 or 2 days में शादी फिक्स हो जाएगी। थैंक्स वसंत, इतना कर दो यार। देखो आयशु, तुम नहीं तो अगर तुम्हारा भाई गाड़ी चलाता, अगर एक्सीडेंट होना होता है तो हो ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मौत आनी होती है तो घर में भी आ जाती है। जो जो समय में होना होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही तुम उनको याद करते रहे तो घर में रहते रहते मेंटल हो जाओगे। मेरे से मेरी आंखों के सामने हुआ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे घर पे आ जाओ, नहीं तो उसके घर पे चले जाओ। एटलीस्ट बाहर निकलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तुम बोलो इसे कुछ। वसंत के साथ बाहर जाओगे तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। आयशु, तुम बाहर जाना चाहती हो तो इसका भाई विनोद दुनिया के किसी भी जगह घुमाने ले जाएगा तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप की भी इच्छा थी कि तुम IAS की पढ़ाई करो, ऐसे ही तुम अपनी इच्छा से समाज को अच्छा करो और फिर तुम इस तरह से कम तुम इस हैंगओवर से तो बाहर आ जाओगी। आयशु, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है आयशु, बाय बाय। ये क्या हुआ? बचाओ, बचाओ, बचाओ।
छोड़ो, चलो चलो यहाँ से, अरे क्या कर रहे, चलो चलो चलो, मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या, अरे भागो यहाँ से। पीछे ये तो मर गया यार, और फिर एक्सीडेंट हो गया। कंप्लेन की थी आपने, वो लड़के लोग कौन है पता चला? वो लड़के कहां से आए, गाड़ी नंबर क्या था, उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली, पर उसका ध्यान तो सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर ही था। आपने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? आयशु को बचाने के ऊपर ध्यान था, कैसे भी करके वसंत के साथ उसकी शादी करवाने की कोशिश की। उसका दिल तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और लड़की की इज्जत वही तो उसकी पवित्रता है। आयशु ले लो। नहीं मुझे कुछ भी नहीं। रोना बंद करो, जाने वाले के पीछे हम नहीं जा सकते, इतना तो समझो। और कितने दिन बगैर खाए पिए रहोगी तुम, तबीयत खराब हो जाएगी, कम से कम जूस तो पी लो। नहीं चाहिए प्लीज भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है मत पियो। देख वसंत, मैं कितनी बार बोल चुका हूं लेकिन कुछ सुन ही नहीं रही, तुम ही समझाओ। आयशु, शौरी बोल के जलने वाले आग में तेल डालने की मुझे इच्छा नहीं है। ऐसा सब क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देख रहा हूं तो इतना सब कुछ हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बताओ मैं क्या कर सकता हूं। कोई बात नहीं छोड़ो, एक भाई मेरे अंदर है और एक भाई मेरे साथ में है। वसंत तुम कैसे भी करके इसको अपने घर लेकर जाओ, नहीं तो ये यहां पर भूखी मर जाएगी। ओके नितेश, तुम इसको तैयार करो, मैं लेके जाता हूं। स्वेयर, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आप जाके आइए। टेक केयर आयशु, मैं सुबह आता हूं। सबके लिए मैं ही कलंक हूं, पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे मुझे पता नहीं, परेशान हो गई हूं, मुझे मौत भी नहीं आती। नहीं आएगी आयशु, तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे पास है। मैं तुमको मरने नहीं दूंगा आयशु, तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर नहीं गए हैं, तुम्हारे पास ही हैं। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। तुम रो रही हो, घुट घुट के रो रही हो, तुम ऐसे रहोगी तो वो नहीं रोएंगे क्या आयशु, प्लीज समझो यार, प्लीज खाना खा लो, चलो आ करो, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मुझे तुम अपने घर पे ले चलो। आयशु, वो नहीं हो सकता है, घर वाले नहीं मानेंगे।
तुम्हारे घर में मानेंगे नहीं, तुम मेरे करीब क्यों आए? हाय शु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें लाइफ लॉन्ग में छोड़ूंगा नहीं, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मुझसे शादी के बगैर आखिरी तक मुझे अपने साथ रखोगे क्या? बी प्रैक्टिकल आयशु, जिस लड़की को 4-5 लड़कों ने रेप किया हो उसे कौन माँ बाप गले लगाएंगे? चार पांच जन रेप की हुई लड़की के साथ सोने के लिए मानेंगे क्या? मानेंगे क्या? मानेंगे क्या आयशु? मानेंगे क्या आयशु? आयशु क्या कर रही हो ये? मानेंगे क्या आयशु? तुम्हारे साथ शादी करके मैं कैसे रह सकता हूँ? आयशु क्या कर रही हो ये? तो मैं छोड़ूंगी नहीं आयशु, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। तुमने अपने दोस्त को भी धोखा दिया है आयशु। आयशु क्या कर रही हो? मुझे भी धोखा दिया, क्या कर रही हो? नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तो आपके कहने का मतलब है उसके अंदर कोई भूत आता है? एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते बता रहा हूँ, उसके ऊपर भूत भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। ये एक भाई का भरोसा है, उससे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो ऐसे ही बाहर नहीं आता है, जब कोई उसके बदन को छूता है तब वो बाहर आता है, और वो तो आपने देखा ही है। तो उसका रेप करने वाले को ढूंढ के मार देने का चांस है क्या? चांस है भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था। उस दिन से उसके साथ रहने की बजाय उसे घर में अकेला लॉक कर दिया। थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहूंगी बोलकर किराए के घर में रहने चली गई। आप एक बार आयशु से बात करके देखिए, अगर वो मेरे भाई को पसंद करती है तो मैं खुद ही उन दोनों की शादी करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आज ही उससे बात करता हूँ और उसे मनाता हूँ। किधर लेके जा रहे हो? कहीं नहीं, बस यहीं चल रहे हैं। हाँ, तुम ऑलरेडी प्यार कर रही हो लगता है। छी, जिंदगी बर्बाद की है, श्रद्धांजलि दे रही हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैंने तुम्हें बाहर रहने के लिए कहा था, इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गए? तुम किससे प्यार करती हो यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? अगर ऐसा तुमने अपने आप डिसाइड किया है तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। What do you mean? I need you in my life. मैं तुम्हें किसी के लिए छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, सब तुम्ही ने डिसाइड कर लिया क्या? वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है ना। छोड़ो छोड़ो, तुम गलत कर रहे हो जॉन। जिद से एक लड़की के शरीर को पा सकते हो पर
उसके मन को नहीं। छोड़ो। अगर तुम मन दोगी तो मैं ले लूंगा, लेकिन शरीर नहीं दिया तो भी मैं ले ही लूंगा। छोड़ो जॉन, मेरा बदन मत छुओ, ठीक नहीं होगा। ठीक है तो मैं आपका बदन नहीं छूंगा। क्या मुझे एक सेल्फी मिलेगी? सॉरी। ओके। सुपर एंड सेक्सी टू, सी यू बेबे। मैंने अब तक तुम्हारी इस फोन से जितनी भी सेल्फी ली हैं, वो सब न्यूड हैं। क्या तुम देखना चाहोगी बेबे? What happened? Why? ये ब्रांड ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। But why? मैं यूज़ करने वाली सोप, शैम्पू, पाउडर, परफ्यूम, कॉस्ट्यूम्स, नॉट ओनली दैट, देन हाउ कुड यू यूज़ इंडियन मेड? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आयशु। इसके बाद मैं भी फॉलो करूंगा और अपने दोस्तों को भी बोलूंगा फॉलो करने के लिए। वो तुम्हारे भाई नहीं, पिता समान है। वो तुम्हें जो भी बोले तुम्हें सुनना ही चाहिए, तुम्हें हमेशा सुनना चाहिए। हे भगवान, सब कुछ अब आपके हाथ में। कल वो तुम्हारे पास आके, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बालू, यही बोलेगी वो तुमसे। यस। आई लव यू आयशु। तुम ऐसे क्यों कर रही हो आशु? क्या हुआ तुम्हें आशु? आशु, ये बालाजी होलो ब्रिक्स फैक्ट्री में एक मर्डर हुआ है। तुम अपने साथ दो और हवलदारों को लेके इमीडिएटली स्पॉट पर आ जाओ। ठीक है सर। और हाँ, एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म करना। ओके सर। किसका बेटा है ये? देवम्मा है ना, उसी का बेटा है।
अजंकी को फोन कर रहा हूँ तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा क्या हुआ है इसे, फोन क्यों नहीं उठा रही है? घंटी तो जा रही है पर फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम शिव से प्यार करती हो ये सोच रहा था मैं, बट तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मेरी जिंदगी को मतलब मिला। आई लव यू आयशु, आई लव यू सो मच आयशु, आई लव यू सो मच। हटिए यहां से, अरे हटो को देखो, हटो यहां से। हेलो सर, हमारे एरिया में सीरियल किलिंग का केस है। ऐसा क्या? जी मैं देखता हूं सर। ओके ओके सर। जॉन, रात से ये लड़का घर नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया। जॉन, बालू बालू, क्या हो गया तुझे भगवान? जॉन कहां गया ये? अरे अरे दूर हटो, दूर हटो। सिद्धू मेरा बच्चा, ये लोग ने अपने साथ ले जाकर मेरे बच्चे की जान ले ली। ए, चल झूठी, तेरे कर्म की वजह से तेरा बेटा मर चुका है आज। मैं कितनी बार कह रहा था कि ये जादू टोना कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी सुनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी तुमने। पहचान कराओ कह के जान खा ली मेरी। तुम खुद तो बुरी हो लेकिन तुमने मुझे भी बुरा बना दिया। तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी, तू बहुत खराब औरत है तू। ए, 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 ये सब तुमने बिना बताए किया है, तुमने ही मेरे बेटे को खराब किया था। सर्वनाश कर रही है तू, क्या क्या कर दिया है तूने, अपने पैदा किए हुए बेटे को भी खराब कर दिया, मार दिया तूने, हत्यारे ने तू, सब खत्म हो गया ना, मर गया हमारा बेटा। आयशु, आयशु, क्या आपने मेरे शिबू को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। हे भगवान, thank you.
जीसस, ये क्या हो गया? जी बोलिए सर। वो मिली क्या? नहीं सर, पर उसके घर से एक बॉडी मिली है सर। अब जो बचा हुआ है वो सिर्फ मेरा भाई है। अगर उसने मेरे भाई के साथ कुछ किया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़ना मत, डोंट ब्रेक द लॉ। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे ही लड़कों की गलती है। अगर अब भी तुम उसका एनकाउंटर करोगे तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करोगे। रेप करने वालों को सबको मार देगी तो क्या उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी सर? उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करो, इट्स माय ऑर्डर। शिबू, कितनी अजीब बात है ना। देखो ना, तुम्हारी बड़ी बहन, छोटी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम्हारा हंसना रोना मैं अच्छे से समझ जाती हूँ। भाभी भैया से बात करने को मन करता है, जी करता है कि उनसे सारी बातें शेयर करूं, लेकिन वो नहीं करते। पता नहीं वो मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। बताइए भाभी, मैं क्या करूं? Why does he treat me like a criminal? कभी कभार तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनका सगा भाई ही नहीं हूं। प्लीज हेल्प मी, उन्हें खुश करने के लिए मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सुनिए, अब तो कुछ बोलिए, अब तो आपने अच्छे से सुना ना। अरे अरे, क्यों मार रही है? देखिए सर, कैसे लड़ाई कर रही है वो। रक्षा करेगा।
रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। मेरे शिवों को मार दिया। शिवू ने मेरा रेप नहीं किया था भाई, मेरी जान से ज्यादा उससे प्यार किया है, उसे भी मार डाला। अब कहाँ चला गया? शिवू, 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 भैया, शिवू, 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 ये क्या हो गया? चलो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चल, चल। भैया प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे प्यार करती है भैया, वादा कीजिए। शिवू, वादा कीजिए कि उसका ख्याल रखेंगे। शिवू, शिवू प्रॉमिस करता है ना? थैंक यू शिवू। शिवू तो लाइफ में जितना भी समझ गया उतना ही बहुत है। अपराधी की जांच की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की विचित्र मनोरोगी बीमारी है। अपराधी को पता चले बगैर उसके शरीर से उसके भाई के द्वारा किए हुए मर्डर की सजा अपराधी को देना ठीक नहीं है। उसके भाई को उसके शरीर में बार बार आने जाने और मर्डर करने के लिए सजा तो नहीं दे सकते, पर उसके भाई के उसके शरीर से अच्छी तरह से निकलने तक पुलिस कस्टडी में रखकर उसका इलाज करवाया जाए और ठीक होने पर उसे छोड़ा जा सकता है, ऐसा कोर्ट आदेश देती है।